मैं महुआ किचन इंडिया महुआ में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मसूर दाल की अलसी का बीज डालकर, जिसे तीसी भी बोलते हैं, बड़ी बना के दिखाने जा रही हूँ। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, कमेंट्स भी करें और अपना अनुभव भी मुझे बताएं। हाँ, तो मैंने ये बड़ी बनाने के लिए ये मैंने दाल मसूर दाल को रात भर भिंगो के रख दी थी। अब मैं इसे धो ली अच्छी तरह और इसे मिक्सी में मैं पीस लूंगी। मसूर दाल की बड़ी बना रहे हैं, इसमें क्या चीज देंगे? और इसे भी तीसी डालकर मैं बनाऊंगी। तीसी से अलसी, अलसी का सीड डालकर, अलसी का बीज डालकर मैं बड़ी डालूंगी, बड़ी बनाऊंगी। वो बड़ी किस काम में आएगा? वो फ्राई करके खाने? हाँ, ये जो बड़ी मैं बनाऊंगी वो फ्राई करके खाने वाली बड़ी है। सब्जी में देने वाली नहीं होगी? ये सब्जी में देने वाली नहीं है, सब्जी में देने वाली भी बनती है। ये थोड़ा छोटा छोटा होता है, साइज में छोटा होता है। हाँ, फ्राई करके खाए। हाँ, और इसमें अलसी रहता है, या आप तिल भी दे सकते हैं इसमें, या पोस्तो डाल के भी बहुत कोई बनाते हैं। तो मेरे पास अभी अलसी का बीज है इसलिए मैं अलसी से इसे बनाऊंगी। ये आप क्या मिला रही हैं? चावल का पाउडर, थोड़ा सा चावल का पाउडर। कुरकुरा होगा, फ्राइड है इसलिए इसे फ्राई करके खाना है, इसलिए मैंने इसमें चावल का पाउडर भी थोड़ा डाल दिया। थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डाल दी। देखिए, दाल मैंने मिक्सी में पीस ली, अब मैं इसका बड़ी बनाऊंगी। बड़ी बना के धूप में रखूंगी एक दिन के लिए, देखूंगी कि एक दिन में अगर नहीं सूखा तो दो दिन तक रखूंगी। इसमें आपने क्या क्या मिलाया? इसमें मैंने अभी चावल का पाउडर दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। नमक भी दी है? अभी नमक नहीं दी हूँ। अच्छा, ये क्या चीज है? ये मसूर की दाल है, मैंने भिंगा के इसको एक रात में भिगा दी थी, फिर सुबह मैंने इसे पीस ली मिक्सी में, और इसमें मैंने थोड़ा सा तीसी और नमक डाल के इसको रखी हूँ, और इसको मैंने बड़ी को बनाऊंगी। अच्छा, ये मसूर का दाल आपका पिसा हुआ है? हाँ, रात में भिगो करके तब पिसा है? हाँ। अच्छा। इसे आप ऐसे भी 4-5 घंटा भी भिगा के आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें मैंने थोड़ा तीसी भी डाल दी। अच्छा, आपने तीसी मिला दिया। हाँ। नमक दिया, बस यही तीन चीज है। हाँ, देकर मैंने इसको, अब आप इसको बड़ी बनाऊंगी। बड़ी बनाइएगा, बड़ी बना के धूप में मैंने एक धूप में आप सूखने के लिए दीजिएगा एक दो दिन। हाँ, छोटी छोटी मैंने बड़ी बनाऊंगी। ये बड़ी भी फ्राई करके ही खाना है? हाँ। ये सब्जी में नहीं पड़ेगा? नहीं, इसको आप फ्राई करके डाल भी सकते हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन इसको ऐसे खाने से ज्यादा मजा आएगा, चावल दाल या खिचड़ी के साथ। अब आप एक प्लेट आपका हो गया है ना, अब इसका सूखने के लिए दीजिएगा। हाँ, तो मेरी ये तिसौरी बन के तैयार है, मसूर दाल और तीसी डालकर, जिसे अलसी के बीज भी बोलते हैं, डालकर बनाई हूँ। और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, आप किसी तरह भी अलसी के बीज को अगर खाए तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसे बनाई और इसे दो दिन धूप में सुखाकर मैंने बनाई। आप भी इसे बनाएं, और ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में,
सगे संबंधियों के बीच कमेंट्स भी करें, अपना अनुभव बताएं और मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, शुरू से अंत तक देखें ताकि मैं किस तरह से ये बरी को बनाई, और मेरे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब कोई सेहतमंद रहे।